एक जन्नत वो है जो मरने के बाद मिलती है, और एक जन्नत वो है जो हम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं। बादल और बाकी के जितने पहाड़ है ना, वो हमसे नीचे हो गए और हम ऊपर हो गए। क्या बात है यार, क्या नजारा है यार। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है, ऊपर से बारिश हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है। पता नहीं यार ये हम ट्रैक कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, वापस ही ना जाना पड़ जाए हमें। तो ये पूरा बारिश से बचाते हुए लेके जा रहे हैं हमारे जाबाज सिपाही। बाहर इतनी बारिश हो रही है और भैया हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आए हैं। तो यार हमें पहुंचना था 8 बजे तक, लेकिन अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम ना बिल्कुल भटक चुके हैं। रास्ता हमें पता ही नहीं चल रहा कि मेन रास्ता कहाँ पे है, पता नहीं क्या बनेगा, रात को हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तो भाई आपको सबसे पहले हमारा व्यू दिखाते हैं कि हमने अपना जो टेंट लगाया था वहां से व्यू कैसा आ रहा है। भाई साहब व्यू चेक करो एकदम यार, ऐसे लग रहा है पूरे हेवन में ही आ गए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया से होंगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको मैं अपनी लोकेशन चेक करवाता हूँ जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो भाई आसपास आपको नज़र आएंगे हरे भरे खेत, और ये जो है ना ये वाला एरिया, यहाँ पे हल्का हल्का सा ऐसे पानी चल रहा है। अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, नीचे जाके ही पानी दिखेगा लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आएगा। ये बीच में हट्स बनी हुई है और आसपास कितनी ग्रीनरी है यार। ये पेड़ जो है ना, ये देखो, ये है जी सेब का पेड़। देखो यहाँ पे सेब लगे हुए हैं भाई। ये हैं जी अनार के पेड़, तो अभी ये कच्चे हैं तो अभी हम इनको खा नहीं सकते अभी, लेकिन व्यू जो है ना बहुत ज़बरदस्त। ये जो जगह है ना भद्रवा, ये हेवन से कम नहीं है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अब रास्ते में ही पता चलेगा। हाँ जी भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज आदित्य भाई की भी आपने शक्ल देख ही ली फाइनली, नहीं तो ये हमेशा मास्क में ही रहते। ये चेक करो व्यू हमारा, हम उस वाली हट में रुके हुए थे रात को, और यहाँ पे देखो भाई कितनी ज्यादा प्लांटेशन हो रखी है। तो ये हमारे विजय राठौड़ सर, सर यहाँ कब आए आप? मैं 2 दिन हो गया हुआ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या यात्रा के लिए? बस हाँ जी यात्रा के लिए आए हैं, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो राठौड़ सर को तो आपने देखा होगा हमारी ऑफ रोडिंग वाली वीडियोस में। एक्चुअली होता क्या कि गाड़ियां हम लेके जाते हैं लेकिन ट्रैक का सर को ही पता होता है। नहीं मैं तो बता देता हूँ मगर करते तो आप ही हो ना। तो भाई फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं वासुकी नाग जी के मंदिर में, जो कि मेन भद्रवा में ही है। तो यहीं से आज की हमारी यात्रा स्टार्ट होनी है और आगे जाके हम ट्रैकिंग भी करेंगे। तो अभी चलते हैं, अभी सबसे पहले चाय वगैरह नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई साहब आपने देखा अभी यात्रा जो है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम भी जाने वाले हैं, थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। वैसे मेरे जो फिटनेस लेवल है ना वो इतने हाई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भाई स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाले का साथ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ। ये देखो अभी फाइनली हमने और सामान ले लिया। एक्चुअली हमने ना रात को करनी है कैंपिंग, तो हमारे टेंट के नीचे हम इसको बिछा देंगे तो फिर ठंड नहीं लगेगी हमें। अभी हम ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, बट ऐसा है कि वहाँ पे ना बारिश कभी भी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी चेंज हो जाए वो पता नहीं चलता। तो ये दिख रहा है आपको, ये है रेनकोट और ये है सिर्फ 50 रुपए का, तो भाई बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। ये नितिन भाई हमें एक लोकेशन पे लेके आए हैं, आधे घंटे से कह रहे थे नाश्ता करवाएंगे, बड़ा वेट करवाया आधा घंटा, लेकिन लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। भाई लोकेशन देखो कितनी ज्यादा जबरदस्त है। भाई साहब ब्रेकफास्ट आया नहीं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है, हाथी भी दौड़ रहे हैं। वो इनको बोलो जल्दी ले आओ, नहीं तो कोई बंदा खा जाना मैंने। वो देखो भाई वो जा रही है जी यात्रा, तो पहाड़ों में कुछ इसी तरीके से यात्रा जाया करती है। तो हम भी इसी ट्रैक से जाएंगे ऊपर ट्रैक करने के लिए, इनके साथ साथ ही जाएंगे, बट पहले करेंगे ब्रेकफास्ट फिर उसके बाद अटेंड करेंगे यात्रा। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे आदित्य भाई हमारा ब्रेकफास्ट लेके। तो भाई बढ़िया बढ़िया परोंठे आ गए, चाय पीते हैं परोंठे खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। ये गद्दी है ना, कौन सा डॉग है शेफर्ड? कुत्ता नहीं, कौन सा बकर वाली? बकर वाली, बुकराली। क्या बात है, क्या नाम है इसका? पंजू। पंजू बाय बाय। एक जन्नत वो है जो मरने के बाद मिलती है, और एक जन्नत वो है जो हम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं।
तो भाई फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं हमारे बेस कैंप छत्रकला में, और यहां से हमें वो ऊपर तक जाना है बिल्कुल ट्रैक करते हुए। तो हमें जाना है कैलाश कुंड में, और वहां जाने तक हमें लग जाएंगे कोई 4 घंटे का ट्रैक होने वाला है। तो भाई इससे पहले मैंने कभी लाइफ में कभी ट्रैकिंग और कैंपिंग तो की नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, देखते हैं कब तक पहुँचते। तो भाई ये आ गया हमारा बेस कैंप, आप देख रहे हो यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ आग जली हुई है, यहाँ से हो रही है हमारी यात्रा स्टार्ट। तो भाई वो देखो आप ऊपर पहाड़ आपको नजर आ रहा है, हमने कहीं वो ऊपर कहीं जाना है, लेकिन पूरे पहाड़ में ना बादल ही बादल आ गए हुए हैं यार, ठंड तो बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो आग वाग जलाने का प्रोग्राम किया हुआ है। तो मेरी लाइफ की तो सबसे डिफिकल्ट ट्रैक होने वाली है आज यहाँ पे। भाई ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़े ना फट के बाहर आने वाले हैं, यहाँ कोई कृपा करके ना संजीवनी बूटी प्रदान कर दीजिए। तो देखो भाई जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी ना वो वहाँ रोड से स्टार्ट की थी, और अभी हम काफी ऊंचा पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखो भाई ऊपर आए ना पूरे पहाड़ पे ऐसे फूलों की वैली है, पूरे फूलों से भरा हुआ है ये पूरा पहाड़, तो भाई मजा ही आ गया देख के। तो भाई चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले लंगर वाले स्पॉट पर। तो भाई ये देखो अभी हम चाय और ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, गरम गरम चाय, ऊपर से ठंडा मौसम, मौसम तो एकदम जबरदस्त हो गया यार, बहुत ही मजा आ रहा है। तो भाई साहब हालत आप चेक कर सकते हो, अभी हम ट्रैक कर रहे थे लंगर खा के, जैसे ही निकले ना तेज बारिश शुरू हो गई है, और देख रहे हो आपकी भाई रेन कोट वगैरह लगाना पड़ गया क्योंकि बारिश का जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया, तो कुछ हमारे पास रेन कोट है कुछ छाते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रक है ना वो बंद नहीं होगा बारिश की वजह से, वो हम चलते ही रहेंगे। तो भाई साहब बारिश और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, आप देख रहे हो मैंने छाता भी लगा लिया है, एक्चुअली मेरे पास ना कंबल और टेंट वाला बैग है, तो कहीं अगर वो गीले हो गए तो रात को सोना भी मुश्किल हो जाएगा। बारिश तो ऑलरेडी हो रही है और ठंड इस जगह पे ऑलरेडी होती है, तो बारिश की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा रात को सोना, ज़्यादा कंबल भी नहीं है हमारे पास। और बहुत तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी देखो अभी हमने एक शेल्टर यहाँ पे हमें मिला है, सारे लोग इसी शेल्टर के अंदर घुस गए हैं, और अगर ये शेल्टर नहीं ना मिलता हमें तो बड़ी मुश्किल हो जाती क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है, और क्या क्या हमारा समय नहीं आ रही, सब कुछ गिल्ला हो गया है सब कुछ। शुक्रिया बहुत बहुत। तो भाई बाहर इतनी बारिश हो रही है और भैया हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आए हैं, तो भाई लंगर सेवा रेडी है सबके लिए, चाय वो पकड़ो ना यार फिर से ले लो चाय, डबल पी लो ट्रिपल पी लो, चलो 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 फाइनली जो बारिश है वो थोड़ी सी रुक गई है, मतलब बंद तो नहीं हुई है, अच्छी बारिश से हमारे 2 घंटे वैसे ही वेस्ट हो गए हैं, और अगर हम और लेट हुए तो बड़ी लेट पहुंचेंगे रात को, तो फिर दिक्कत हो सकती है यार, मतलब दिन दिन में पहुंच जाए तो सही है। तो ये आपको दिख रहा है भाई साहब ये हमें कवर फायर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ही टेंट है और साथ में जो ब्लैंकेट वगैरह वो वाला बैग मेरे पास है, तो बस देख रहे हो, तो ये पूरा बारिश से बचाते हुए लेके जा रहे हैं हमारे जाबाज सिपाही। तो भाई मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल हम एकदम बादलों के बीच में आ चुके हैं, ये देखो भाई मतलब बादल हमसे नीचे हम ऊपर आ गए, ये देखो भाई वहाँ पे आपको दूर दूर तक पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आपको, हमने जाना है वहाँ पे, तो अभी हमें मेरे ख्याल से दो घंटे और लगेंगे, तीन घंटे अभी और लगेंगे। तो भाई आज जो है ना हमें लंगर वाले ही बचाने वाले हैं, लंगर वाले नहीं जाएंगे भाई, ऊपर वाला बचाएगा शंभू, क्या बात है। दो बजे
तो अभी ना यार, अभी जहाँ पे हमने जाना ना उसके आधे पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें दीदी मिल गए, तो इन्होंने हमें बताया अभी कितना टाइम और लगेगा। अभी बज रहे हैं 4, तो कितने बजे तक पहुंचेंगे हम वहाँ पे? 7:30। ओके ओके, तो उस जगह की हाइट कितनी है? 14,000 फीट की है। ओ भाई गॉड, जय बोले बोले बोले। तो भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं छतरी टॉप, और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे भी लंगर की व्यवस्था की हुई है। चलते चलते अगर कोई थक जाता है तो टेंट वगैरह भी है यहाँ पे अंदर की साइड, तो चलते हैं जरा देखते हैं अंदर क्या क्या बना हुआ है। तो भाई ये वाला जो लंगर है ना, ये लास्ट लंगर आता है अगर आपने कैलाश कुंड के लिए जाना ना, तो ये छतरी टॉप वाला लंगर है ये आपको दिख रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे भाई आग की भी व्यवस्था की हुई है, आग वाग जला रहे हैं भाई, ठंड से दूर हो रहे हैं सारे। और देखो कुछ लोग कपड़े भी सुखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहीं पे ना आपको मेडिकल कैंप भी देखने को मिल जाता है, अगर कोई ट्रैकिंग करते हुए किसी को छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो मतलब फर्स्ट एड वगैरह और बेसिक चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो, काफी ज्यादा टेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। शुक्रिया। ये था पहाड़ी डांस भद्रवाह का। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है कैलाश कुंड। और मुझे लगता है कि अभी हम लेट हो जाएंगे, थोड़ा रुक रुक के जाएंगे, तो 8 बजे तक तो आज पहुंच जाएंगे। और वहां जाके हमें अपना टेंट सेटअप भी करना है, कैंपिंग सेटअप सारा करना है। तो हमारे भाई बंधु हैं, सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो एक ही बार वहां पहुंचते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं। 15 अगस्त को भी हमने मिलाया था आपको रविंदर रैना सर के साथ, और आज हम जा रहे हैं अभी कैलाश कुंड यात्रा पे। और देखो जी दर्शन हो गए हमारे, भोलेनाथ वाले ने लिखा हुआ था हर हर महादेव की जय, वासुकी नाग भगवान की जय। देखिए बहुत ही जबरदस्त ये ऐतिहासिक स्थल है। बिल्कुल यहाँ भगवान शिव भोलेनाथ स्वयं साक्षात वहाँ विराजमान हैं, और वासुकी नाग जो नागों के नाग, वासुकी नाग बिल्कुल देवों के देव महादेव, और स्वयं भगवान विष्णु जी इस कैलाश कुंड सरोवर में वास करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रास्ता दुर्गम है, बर्फीले पहाड़ों के बीच में से कठिन चोटियों को पार करते हुए आपको जाना है, लेकिन यही तो परीक्षा है। तो भाई अभी तो हालत जो है ना वो एकदम टाइट हो चुकी है, और यार ये सीन है कि ट्रैकिंग हमने बहुत ज्यादा कर ली है, मुझे लगता है आज मैं अपने 5 किलो वेट जो है ना वो तो कम कर ही लूंगा। अरे मेरा तो 10 किलो जा रहा है। चलो भाई यार आगे रास्ता बिल्कुल साफ है। क्या आगे क्या लुक पड़ी हुई है जो रास्ता साफ है, यही 10 किलो ना और क्या होगा। तो भाई इस टाइम हम ना बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, इतनी हाइट पे आ गए हैं कि भाई बादल देखो, बादल और बाकी के जितने पहाड़ हैं ना वो हमसे नीचे हो गए और हम ऊपर हो गए। क्या बात है यार, क्या नज़ारा है। वैसे हमसे ऊपर भी हैं बादल, बट ये थोड़े आप कह लो ये कोई माउंट एवरेस्ट की हाइट पे होंगे हम। लेकिन जहाँ पे यार क्या व्यू है यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह, बहुत ज़्यादा व्यू। तो भाई ये देखो भाई, आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ आज का लास्ट व्यू, क्योंकि अंधेरा कभी भी पड़ सकता है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक हमने जाना है अभी भी 1.5 घंटा लगेगा। बट ये देखो यहाँ ना ग्लेशियर से ऊपर से पानी आ रहा है, रुकने का नहीं।
तो भाई कैलाश कुंड हमने पहुंचना था 8 बजे, लेकिन अभी बज रहे हैं कोई 10 बजने वाले होंगे। एक्चुअली हम 2 घंटे ना यार रास्ता ही भटक गए थे, पूरा अंधेरे में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। तो अभी जाके कुछ लोग मिले हैं तो अब हम उन्हें फॉलो करने लगे हैं, तो शायद अब हम फाइनली पहुँच पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जानी थी अभी यार। तो भाई पूरे रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखी है, तो भाई रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। लेकिन अभी बच गए रात के 11 और अब हमें कैलाश कुंड दिखना स्टार्ट हो गया है। तो 15 मिनट में अभी हम नीचे पहुंच जाएंगे और टेंट वगैरह जो है अपना वो लगा लेंगे, और एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है तो जाके सीधा सो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बाकी अब सीधा अब आपको सुबह ही मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आपको सबसे पहले हमारा व्यू दिखाते हैं कि हमने अपना जो टेंट लगाया था वहां से व्यू कैसा आ रहा है। भाई साहब व्यू चेक करो एकदम यार, ऐसे लग रहा है पूरे हेवन में ही आ गए। वो दिख रहा है आपको, वो है कैलाश कुंड, तो जो यात्रा है वहीं पे जाया करती है। तो बस इतनी दूर हमने लगाया वो था पत्थरों के बीच में अपना टेंट, ताकि हवा शवा कम रहे, बट हुआ एकदम उल्टा ही है। रात ना यहाँ पे होती रही है जबरदस्त बारिश, तो पूरा टेंट वेंट हमारा भीग गया था, लेकिन मुझे लगता है वासुकी नाग जी की कृपा बनी रही, इसी वजह से मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर भी हम अपने टेंट में एकदम आराम से सो के उठ गए अभी। तो बस अभी जा रहे हैं हम वासुकी नाग जी के दर्शन करने, तो बस आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो बस दर्शन करके फिर यहाँ पे हल्की सी डुबकी लेंगे और उसके बाद फिर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि यार मौसम का कुछ नहीं होता। देखो ऊपर फिर घने बादल हो गए, तो यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है। उस साइड पे हल्की हल्की सी आपको बर्फ़ देखने को मिल रही है, तो बर्फ़ भी है उस वाली साइड पे। देखते मे भी शायद हम इस लेक का एक राउंड मार के ही जाएं। तो भाई रात को इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ना कि तबीयत सबकी ख़राब हो चुकी है, सबको भाई कोल्ड ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो जो नितिन भाई है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, फीवर लग रहा था उन्हें। तो सुबह सुबह ना वो उठ के चले गए फर्स्ट एड लेने के लिए, बेसिकली कैंप्स में फर्स्ट एड का भी प्रोवाइड किया होता है वहाँ पे। तो वो सुबह सुबह उठ के चले तो गए वहाँ पे, अभी जो अपने दो और लोग हैं वो उनको ढूंढने के लिए गए हैं वहाँ पे, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी अभी हमने एक अनाउंसमेंट करवाई है वहाँ पे कि भाई वो टेम्पल है उसके आस पास ही आ जाए, बट भाई अपने मिल नहीं पा रहे। अपना सामान पड़ा हुआ टेंट पे तो मुझे यहीं रुकना है, तो आदित्य भाई और आदि भाई जो है वो गए हुए हैं उनको ढूंढने, देखते हैं भाई कहाँ चले गए अपना भाई। तो भाई फाइनली हमारे जो नितिन भाई हैं वो मिल गए हैं। तो भाई तबीयत रात को इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, मतलब सबको कोल्ड वगैरह हो रखा है, अभी ये चेकअप करवा के आए हैं। अभी कितना ऑक्सीजन कितना बोल रहे हैं वो, कितना हो गया? तो नॉर्मल है, पहले 70 हो गया था, 70 हो गया था भाई। तो भाई इस एरिया में ना पेड़ वगैरह कोई नहीं है, तो भाई ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो अभी भाई साहब के लिए ना अभी हम घोड़ा करने वाले हैं, उनको घोड़े पर बिठा देंगे। दर्शन करके तो आ गए हैं, तो अभी हमने अपनी जर्नी कर ली है स्टार्ट। तो अभी भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ये पहाड़ पूरा चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही थोड़ी सी ढलान आएगी। रास्ता थोड़ी ना, ये बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं, इनके ऊपर से चढ़ के ही जाना पड़ेगा, पूरा पहाड़ ही क्रॉस करना पड़ना है अभी। तो ये बड़ी मशक्क़त के बाद अभी हमें घोड़े मिल गए हैं, तो नितिन भाई को बिठा देते हैं यार, है ना, हम चलते हैं आगे आगे। तो दो घोड़े, वैसे भी 2-3 लोग और आ रहे हैं साथ में, तो इनको कंपनी भी हो जाएगी। चलना पड़ेगा, ये पहुंच जाएंगे सबसे पहले, तो ये वहाँ पे चेकअप करवाएंगे, तब तक हम उनके पास ठीक है, रफ्तार तो ठीक ही है। फिर देखो ना उस साइड पानी वाली साइड, ये देखो भाई हमारे स्पाइलिंग मैन, अभी इनके साथ बहुत बड़ा कांड होते होते बचा है, ऊपर से पत्थर आया घूमते घूमते। ये अच्छा होगा कि जो ऊपर लोग हैं उन्होंने पहले बता दिया, तो ये भाग गए, नहीं तो सीधा वहीं पड़ रहा था जहां आप खड़े थे। नजर पड़ गई, अगर नजर नहीं पड़ती तो मैं भाग नहीं पाता। तो भाई हालत एकदम हो चुकी है खस्ता, और यहाँ पे ना मेरा मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, बट हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। तो भाई साहब अभी हो गया बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रैक, ये देखो ये हमारे भाई साहब ये अपने ही पहाड़ पे चले जा रहे हैं। ट्रैक बेसिकली नीचे वाली साइड था, हमें आना था यहाँ से जहाँ से लोग जा रहे हैं,
तो ये पता नहीं यहाँ पहाड़ से उतर गए, अब इनको भी ट्रैक नजर नहीं आ रहा, मैं भी फंस गया हूँ। और नीचे देखो खाई कितनी ज्यादा बड़ी है। तो भाई ऑफ बीट ट्रैक में आने का यही फायदा हो गया कि भाई ये देखो यहाँ से ना ग्लेशियर का पानी आ रहा है, तो भाई प्यास भी बहुत ज्यादा लगी है, तो सबसे पहले पानी पीते हैं। यार सुबह का एक घूंट पानी नहीं पिया, 12:30 होने वाले हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल भी पानी पिया नहीं है। पहाड़ों का यही फायदा यार, नेचुरल वाटर पियो, जबरदस्त। हाँ जी, आ चुके हैं जी वापस घर पे। और जहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके बाद भाई तबीयत वबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और उसी दिन हमें वापस आना था घर के लिए, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, कुछ अलग देखने को मिला होगा आपको, नहीं तो सब पे ऑफ रोड वगैरह ही होता है। तो बस अपने प्यार भरे कमेंट्स और सजेशन भेजते रहें। और हाँ, एक और आपसे हेल्प चाहिए कि यार जो नेक्स्ट हमारा ट्रैवल डेस्टिनेशन होने वाला ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो डिसाइड करें। तो मैं आज इस वीडियो को डालने से पहले ही एक पोल डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करके मुझे बताना कि कौन सी जगह पे हमें जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन का जो मैं सोच रहा हूँ वो है लद्दाख, एंड दूसरा है गोवा। तो दोनों में से मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि कौन सी जगह पे हमें जाना चाहिए 10-15 दिन का ट्रिप मारने के लिए। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं कल एक और बढ़िया सी वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।